क्या खा रही है? पाइनएप्पल पेस्ट्री। परी हैप्पी बर्थडे। आम खाना। आम खाना है? और खाना है आपको आम? हाँ। और लाऊं? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अपने घर में सब ठीक होंगे। तो बस आज दिन की शुरुआत कर रही हूँ, आपका दिन शुभ मंगलम जाए। तो मैंने कहा गाइस पहले हाल चाल पूछ लूँ, गुड मॉर्निंग। तो पहले गाइस आपको हाल चाल पूछती हूँ, गुड मॉर्निंग करती हूँ, तो फिर मैं अपना काम शुरू स्टार्ट करती हूँ, अपने पूरे दिन की अच्छी शुरुआत हो और अच्छा दिन जाए मेरा भी और आपका भी। तो बस अभी नहाई धोई हूँ, पाठ पूजा की है और सुनील जी जा चुके हैं अपने शॉप पे। बस अब डस्टिंग वस्टिंग करूँगी, आंटी अपना सफाई कर रही हैं और ये अभी सो रही है। तो लंच में देखते हैं अभी क्या खाना क्या नहीं खाना। तो सो गाइस सबको तो प्रेजेंट दे दिए, छोटू कल चला गया था तो आज छोटू को अभी आया हुआ है तो मैं उसको शॉप से बुलाती हूँ, उसको प्रेजेंट देती हूँ। उसका लिया हुआ था मैंने, ब्लॉक में भी दिखाया था कल आपको। अब आएगा छोटू ऊपर, उसको बुलाती हूँ फ़ोन करके कि छोटू अपना गिफ्ट ले जा बेटा। तो बस उसको दे के फिर मेरी टेंशन फ्री। तो सो गाइस अब लंच में देखते हैं क्या बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। डिसाइड अभी कुछ हुआ नहीं लंच में क्या खाना है क्या नहीं खाना। सवारी किधर चली? अरे वो कल मम्मी को सूट तो दिया ना सुनील जी, वो ना पूजा ने भी वही कलर सेम आ गया, कह रही सेम कलर हो गया दोनों का, सेम हो गया। हेल्प मी और देख लो फिर कलर निकालना हाँ ठीक है फिर चेंज कर लो। यार कोई लाइट कलर ले लो बढ़िया गर्मियों के हिसाब से ना। मैंने कहा फिर और कोई आप देख लो पसंद कर लो। हाँ ठीक है लगेगा मम्मी की पसंद से दिलवा दी मम्मी। तभी तो लेके जा रही हूँ मम्मी को। ये पल्ली भी जा रहा है क्या? पल्ली जूते नहीं पहने कैसे चलेगी ये? मम्मी उठाएगी, मम्मी घोड़ा बनती है उसकी, डम डम करती है ऐसे करती है। उसके साथ खेलती सही रहती है। पूजा का आएगी तो छोड़ेगी नहीं। हाँ जब पूजा का आएगा छोड़ेगी थोड़ी ना, उसको अपनी कंपनी में दे जाएगी। पूजा कहते हैं बस अब की तैयारी कर ले अपनी, प्लानिंग कर ले फिर कपड़े पाएंगे। ये कलर अच्छा लग रहा है। हाँ यही ले रही मैं। तो सो गाइस क्या हुआ आज के लिए, कल मैं मम्मी को सूट लेके गई तो पूजा ने भी प्रेजेंट किया तो वही कलर आ गया सेम सेम, और दोनों का फालसा कलर का। तो फिर मम्मी कहती है मेरे को कलर चेंज करवा दे। तो गाइस आप भी डिसाइड करना, बताना कमेंट्स में कौन सा अच्छा लग रहा है। मेरे को तो ये कलर अच्छा लगा, इसमें चार कलर है, एक ये कलर है और एक ये कलर है, तो पिंक वाला भी दिखाइए अपन और एक। तो गाइस मम्मी को तो ये पसंद आ रहा है, कह रही है मेरे को ये कलर लेना है, तो मम्मी ये ले लें फिर। हाँ ये हाँ ये ले लें। तो आज अब स्टिच करने भी दे टेलर को, अब रखना मत आप। हाँ रखूँगी। पसंद है ना आपको? हाँ हाँ पसंद। खुश हो ना? हाँ खुश हूँ। मम्मी खुश तो सारे खुश। तो गाइस मम्मी ने ये सूट लिया, तो इसका ये शर्ट है और ये दुपट्टा है प्योर में, और ये इसके साथ सब कलर भी प्यारा लग रहा है, सी ग्रीन कलर में मम्मी को यही अच्छा लग रहा है। कर दे फाइनल। तो गाइस मम्मी को ये पसंद है, यही फाइनल कर दे। ये देखो मम्मी ने ये सूट लिया, बहुत बढ़िया कलर है, गर्मियों के हिसाब से ना बहुत अच्छा आ रहा है, गर्मी आ रही है। हां मम्मी अच्छा सूट है, कलर भी प्यारा है, मम्मी पहनेंगे अच्छा लगेगा, सही लग रहा, अच्छा लग रहा। फाइनल फाइनल इसका दो देखो, टॉवल भी फ्री मिले हैं, विसाखी तक स्कीम निकाली उसने ठीक। एक पूजा का एक मम्मी का, मेरे को नहीं मिला देख लो। कोई बात नहीं, पूजा ये ले लाया मम्मी के लिए, सूट चेंज करवाया है मम्मी को, बहुत पसंद है ये वाला, जो देखो जो पसंद आए जो। अरे मैंने कहा पहना तो सही ना। हां वो सबसे बेस्ट है, पूजा का दे एक मम्मी का भी दे भाई, मेरे को नहीं दिया करा, मैं आपको सूट लिया मैंने ठीक है। अरे मैं सूट जो लेगा ना उसको टॉवल तो फ्री टॉवल मिले तो बहुत छोटे टॉवल ले लो, हैंड टॉवल है ना, हैंड टॉवल है ना बेटा। अच्छा हैंड टॉवल तो छोटी होते हैं। मैंने पिंक ही लिया, मैंने कहा पूजा को पिंक पसंद है, मैं पिंक ही लाया, ग्रीन भी था ओके नहीं, एक पिंक लिया था एक ग्रीन लिया था ना।
मम्मी को पसंद पिंक था, आपको जल्दी ठीक है ना। अच्छा पिंक सूट सही है, उसका दुपट्टा बहुत प्यारा है ना, खोल के देख। मैं जा रही हूँ ना, वो आपके वाला सूट भी मैं घर पे दे आऊंगी ना पापा को, पापा भी जब फ्री होंगे फिर आऊंगा। क्या कर रहे हो? हाँ। सो गई है तो मेरी ड्यूटी लगा के चले गए। चलो कोई नहीं, बंदे को भी रेस्ट चाहिए ना, पूरे दिन भर काम करते। अरे सबको छोड़ो, अपना मूड ठीक करो। मैंने तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आया हूँ, बहुत जन्म आइसक्रीम है। क्या फ्लेवर आया? हाँ स्ट्रॉबेरी भी आया इसके अंदर। स्ट्रॉबेरी तुम्हें पसंद ही नहीं था, मैंगो पसंद था ना। छोटू तुम्हें खा ले? नहीं खाओ को, मैंने अभी खाई है, अभी खाई है। अच्छी आइसक्रीम, हाँ अच्छी आइसक्रीम आई है। हैमोर की आई है और भी आई है आइसक्रीम, बहुत बढ़िया। कैडबरी की भी आई है, नहीं वो कैडबरी वाली खाना, 50 रुपये की। चाची अपनी नानी घर चली गई। मुझे मम्मी को बोला मैंने नानी का फोन इसको कल से ना मैं ऐसे ही कर रही हूँ, जैसे मैं कर रही हूँ जैसे मुझे देखती हूँ मैं ऐसे कर रही हूँ, फिर ऐसे ऐसे करती हूँ। वो बोलती नहीं है चाची के साथ में, खेलती होता वो बोलती बात करेगी मुझे ऐसे ऐसे देखेगी। परी चाची गई, चाची नानी कर गई, ऑटो में कर लिया, ऑटो वाले भी आ रहे हैं। क्या चल, क्या हो गया? परी को गिफ्ट दे रहे हो क्या? छोटू को प्रेजेंट करेगी परी। ओए विल्ले प्रेजेंट, क्या क्या है प्रेजेंट में? ये ले, ओए लाओ। सो गाइस देखो छोटू को प्रेजेंट खुद करने आई है मेरी बेटी। क्या है भाभी प्रेजेंट में? ये तो बताओ, देखो ना आप खोल के देखिए। मैं देखूं क्या? आपकी गिफ्ट और आप देखिए प्रेजेंट कैसा आपको लगा। वाओ भाभी ने शर्ट दी है। क्या अच्छी है? पूछ भाई। ये तो छोटू की है। हां छोटू की है। क्या अच्छी है? थैंक यू भाभी। हाँ बहुत अच्छी शर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शर्ट याद तो करेगा। हाँ हाँ पर अगली पेमेंट पे कुछ और देना, लेकिन क्या हो गया? क्या हो गया? अगली पेमेंट में नहीं दोगे? और पार्टी कहाँ दे रहे बताओ पहले तो। नहीं अच्छी अच्छी शर्ट है भाभी, बढ़िया है, बहुत बढ़िया शर्ट है, अच्छा कलर है। व्हाइट पैंट पहन नहीं अच्छी है, पर ये अच्छी है। ताली बजाओ। हेलो बोलो, हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस। थैंक यू बोलो, बोल ले थैंक यू बोलो। थैंक यू भाभी। अरे परी ए बोलो हेलो गाइस। यस क्या खा रही है? पाइनएप्पल पेस्ट्री। परी हैप्पी बर्थडे, जहाँ इसको दिख जाए केक वहाँ इसका हैप्पी बर्थडे हो जाता है। जैसे इनका तो ये भी अच्छा है, पिज्जा सैंडविच भी अच्छा है। ये ले लो पिज्जा सैंडविच। हम्म, ये लो, ये पास्ता सैंडविच है। पास्ता नहीं, ये नहीं, ये वाला सही लग रहा। ये ले लो। करवाऊँ? चल करवाता हूँ। पेस्ट्री कैसी है? पेस्ट्री मेरी वैसे फेवरेट है, पाइनएप्पल। खाओ आप, खाओ लो। और खिलाओ, और खिलाओ। अभी खिलाती हूं। क्या कैसा लगा? टेस्टी है ना, वाकई मजा आया। हाँ पहली बार खाया, मैं खुद फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, लेकिन है टेस्टी। मैं सैंडविच खाती नहीं थी। हाँ मैं पिज्ज़ा सैंडविच है, इसकी दुकान अच्छा है, मशहूर है इसका नाम भी, वो पिज्ज़ा भी टेस्टी। क्या चलो, हाँ सही सही लगा। दादू क्या ले आए? आम 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 आ
खाएगी मैगी खाएगी अभी तो कहता कीड़ा जो कीड़ा हाँ परी कौन सा खाएगी या छोटा खाएगी परी छोटा खाएगी परी मेरे को देगी देगी नहीं हाँ कभी काटो जल्दी से काटो जल्दी काटो शुरू शुरू काम में देरी किस बात की हाँ पहले तेरी मम्मी धोएगी फिर काटेगी खाना उन्हें खा लिया खाना खा लिया रात को कम ही खाती हूँ। तो गाइस आज परी के दादाजी आम ले आए। अभी मौसम आम का नहीं आया और आम ले आया। परी इतना खुश हो के आम खा रही, पूछो मत। एक फाग, दो फाग, तीन फाग, चार फाग। हार के मैंने कहा भाई इसका पेट खराब हो जाएगा, इसको और मत दो। लेकिन ये ना माने, डैडी और खाना है, डैडी और खाना है। परी क्या बोल रहे थे आप? आम खाना है। देखो आम खाना है, क्या क्या बोल रहे थे बताओ जरा। आम खाना है। आम खाना है और खाना है आपको आम? हाँ। और लाऊं? हाँ। ये देखो गाइस अभी भी कह रही आम खाना है और दादू को मना कर रहे हैं इसके आम मत लाओ, लेकिन दादू नहीं मानते हमारे। तो गाइस आप लोगों के आज कंग्रेचुलेशन के इतने मैसेज आए। मैं अभी रात को फ्री होके सारे मैसेज पढ़ता हूँ। तो अभी मैं पढ़ रहा था सारे मैसेज, तो आप लोगों ने इतनी बेस्ट विशेज दी, सब ने कंग्रेट किया। तो गाइस ये सब आपकी वजह से है, अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते, और अगर आप हमें इतना प्यार नहीं देते तो हम यहाँ तक नहीं आ पाते। सिर्फ आपकी प्यार की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और सिर्फ आपकी प्यार की वजह से। और आज दो चार कमेंट आए हैं जिन लोगों से अटैचमेंट थोड़ी हो गई है हमारी, रोज़ उनके मैसेज आते हैं तो अटैचमेंट ऑटोमेटिकली हो ही जाती है। तो सबसे पहले रजनी मग्गो जी, आप पहले भी मैसेज करा आपने दो चार बार, आज फिर मैसेज आया कि मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ, कॉन्ग्रेट्स। और सुनील भैया, निशा भाभी, परी, आप सबको कॉन्ग्रेट्स, और आपके घर जल्दी आऊँगी चाय पीने। तो रजनी मग्गो जी जब भी आओ मोस्ट वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी आओ आपके लिए चाय कॉफ़ी जो कहोगे बना के रखेंगे, आपका वेट करेंगे, आपको जब आना एनी टाइम। और एक तरनदीप जी का भी मैसेज आया हुआ है, तरनदीप जी शायद बॉम्बे आप रहते हो, तो आप बोल रहे थे जब भी मैं आऊँगा तो आपसे मिलके जाऊँगा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो तरनदीप जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब मर्जी आइए मोस्ट वेलकम, हमसे मिलिए, बैठिए, बातें करिए। आपको हमारे मम्मी पापा देख के अपने मम्मी पापा की याद आती है, हाँ, तो आप आइए उनसे मिलिए, बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, आप भी उनके बेटे समान हैं। हाँ, जैसे हमारे मम्मी पापा हैं वैसे आपके मम्मी पापा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब मर्जी आइए, हमें कोई इशू नहीं है। ये आपने अमन सिलेक्शन से लिया है, ये कहाँ पर है? ये नंदा के पास है क्या? तो गाइस ये नंदा के पास नहीं है, ये हमारे पाली फैक्ट्री के रोड के ऊपर है, मेरी शॉप से जस्ट 7-8 शॉप आगे पड़ती है अमन सिलेक्शन के नाम से। तो हम सारे मतलब रेट भी रीजनेबल है इनके, और सूट भी अच्छे होते हैं, वैरायटी भी, दुकान छोटी है लेकिन सूट्स वैरायटी और सूट्स अच्छे होते हैं इनके पास, उनके रेट भी रीजनेबल हैं। तो आप जब मर्जी आइए इनसे लीजिए, और इनके रेट भी सही हैं और इनके फिक्स रेट होते हैं। और ये पड़ती है हमारे पाली फैक्ट्री रोड के ऊपर, पाली फैक्ट्री रोड के ऊपर गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के गुरुद्वारा और मंदिर के सेंटर में पड़ती है इनकी शॉप। आप किसे भी जब आना हो तो गुरुद्वारे के, आप ये पाली फैक्ट्री पूछ लेना, पाली फैक्ट्री के पास गुरुद्वारा पड़ता है, गुरुद्वारे के पास में इनकी शॉप है। राधिया बाली जी आपका बर्थडे है आज, तो हैप्पी बर्थडे टू यू। आपकी मम्मी का मैसेज आया था कि मेरी बेटी का बर्थडे है और हम जम्मू में रहते हैं, तो आप मेरी बेटी का बर्थडे है तो आप उसे विश कीजिए। तो हैप्पी बर्थडे बेटा, आप ऐसे खुश रहो। और सबसे प्यारा मैसेज मुझे ये लगा कि निशा के बारे में, सब लोग ये कह रहे कि आपने अपने लॉस को सबको गिफ्ट दिया, पापा को, मम्मी को, मन्नू को, पूजा को, अपने हस्बैंड को, लेकिन आपने अपने मम्मी के बारे में नहीं सोचा, अपने भाई के बारे में सोचा। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, हमने उनके बारे में सोचा हुआ है। मैं जिस दिन जाऊंगा, मैं एक्चुअली एक साल हो गया उनके घर गया नहीं हूँ, मैं अब जाऊंगा, इसी मंथ जाऊंगा उनके घर, और जब भी जाऊंगा उनके लिए गिफ्ट लेके जाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आपको पूरा ब्लॉग में दिखाऊंगा हमने उनको क्या दिया क्या नहीं दिया। हमारे लिए है, बस चक्कर है हमारा, वो थोड़ा दूर रहते हैं, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, यहाँ से जब हमें जाना होता है तो हमें 2 घंटे लगते हैं, मेरे पास अभी समय नहीं है जाने का, लेकिन जाऊंगा इस मंथ, जब भी जाऊंगा उनके लिए गिफ्ट हमने सोच रखा, वो पहले है जी, उनको गिफ्ट देना है और 100% देना है, क्यों निशा बताओ। तो सो गाइस एक साल हो गया सुनील को, लेकिन मम्मी हर महीने फोन करती हैं, हर हफ्ते फोन करती है सुनील को, लेकिन थोड़ा बिजी हो जाते हैं शॉप के चक्कर में, तो निकलना नहीं हो पाता, तो मैं भी इसलिए नहीं जा पाती। गुड़िया जो हमारी वो डैडी के बिना नहीं रहती, इसलिए मैं भी फोन पे बात कर लूँ, कभी बहुत इमरजेंसी होता है थोड़ी देर मिलके फिर मैं आ जाती हूँ,
क्योंकि रात को तंग करूंगी, सुनील जी थके होते हैं, इसलिए मैं 2-3 घंटे अपना बिता के फिर मैं आ जाती हूँ। आप गाइस कहते हैं ना कि पूजा मायके जाती है, निशा जी नहीं जाती। निशा जी इसलिए नहीं जाती क्योंकि मेरी बेबी है ना, वो थोड़ी नटखट है, ये वो शैतान है, ये अपने हाउस के बिना कहीं नहीं रहती, पढ़ाई करती है, वो स्टडी करती है, ये थोड़ी समझदार है। फिर मैं ये मेरे साथ रह रही है थोड़ा दिन, तो मैं देखती हूँ 1-2 दिन लगा के अगर रहेगी तो मैं फिर आपको सारा ब्लॉग वहाँ का मायके का अपना दिखाऊंगी। हाँ, तो मम्मी को, इसके भाई को, सबको गिफ्ट देना है, देंगे ऐसा कुछ नहीं है कि हमने देना नहीं है, पूरी फैमिली को दिया तो वो पीछे क्यों रहे। देखो गाइस, हाँ सबको देना। जब लड़की की शादी हो जाती है ना, तो पहले घर ससुराल ही उसका मान सम्मान उसका वही होना होता है। मायका तो बाद की बात है, अब ये नहीं, कोई मायका बाद की बात नहीं है, वो पहले है, चलेंगे उनको भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं, देंगे, पहली इनकम है तेरी, देंगे देंगे। और गाइस, आप लोग इनकम के लिए बोल रहे थे कितनी इनकम आई है क्या है, तो गाइस अभी कुछ ज्यादा नहीं आई है, थोड़ा बहुत क्या है खर्चे पानी लायक, हम यूट्यूब पे बता नहीं सकते, वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये चैनल ना बंद हो जाए, इस चक्कर में हम आपको बता दें, पर आपको पहले बता दें कुछ ज्यादा इनकम नहीं आई है, थोड़ी बहुत आई है अपने खर्चे पानी लायक बस। सो गाइज, आज 2-3 गाइज के नाम आए ब्लॉग पे, तो कह रहे थे निशा जी जब आप ब्लॉग बनाए आज, तो मैंने कहा नाम ना भूल देती हूँ, तो आज अभी नोट किए रहे, मैंने देख रही मैसेज सारे, मैं रात को सारे पढ़ती हूँ, सारे मैसेज रिप्लाई करते हैं सुनील भी और मैं भी, रात को हमारी यही ड्यूटी होती है, जैसे हम डिनर करते हैं तो सुनील फिर डिस्कस करते हैं निशा आज किस किस के मैसेज आए, क्या रिप्लाई करना है, क्या कमेंट आए हैं, तो वही हम देखते हैं, पहले आधा घंटा उसी में ही ध्यान देते हैं सुनील जी भी और मैं भी। तो अब ये 2 गाइस के नाम आए, मीनू जी मथुर, मीनू मथारू और कुलजीत कौर जी, कुलजीत कौर जी, तो बहुत अच्छा लगा, मेरा दिल बहुत खुश हुआ, और आप ऐसे मजे प्यार बनाए रखिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे से व्यूज दीजिए, और बढ़ाइए व्यूज और सब्सक्राइब बढ़ाइए मेरे, और मेरे और मेरा सपोर्ट जल्दी बढ़े और मेरा चैनल खूब चले, तो मैं गाइस आपके पूरे कमर्स और पूरे करूं, मेरे तो ये कोशिश है आपको ज्यादा से ज्यादा खुश रखूं और आप मेरे साथ जुड़े रहिए प्यार। तो आज का ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूं, मिलती हूं कल आपको न्यू ब्लॉग में। परी से गुड नाइट बोल दो गाइस को, नहीं बोलना, गुड नाइट बोलना है, बोलो गुड नाइट से, गुड नाइट बोलो, ऐसे 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 बोलो, ऐसे अच्छा बेस्ट ब्लॉग कर दो, चलो बोलो बेस्ट ऑफ लक, बोलो। नॉटी बच्ची है ये, देखो गाइस बड़ी हो रही है, जैसे बड़ी है कोई कहना नहीं मानती, अभी हमारा अपनी मर्जी से करती है, पहले छोटी थी हमारा हर कहना मान लेती थी, अब ये स्कूल के, अब नहीं मानती है, सुनील जी बस जाने वाली है 2-4 दिन में स्कूल, बस चलो गाइस गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, आई लव यू।